हरियाणा में मौसम विभाग ने 6 जिलों में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में बरसात की आशंका जाहिर की है। इसके साथ ही अन्य 16 जिलों में बरसात की कम आशंका को देखते हुए धूप से हुमस बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हुमस के कारण आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। बात पिछले 24 घंटे की करें तो 106 गांव और 33 शहरी क्षेत्रों में 381 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब इनकी संख्या 8188 हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक बुखार के 12184 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में इसके 266 नए मामले सामने आए हैं। पेट संबंधित रोगियों की संख्या में भी 45% की वृद्धि हुई है। इनकी संख्या अब 2941 तक पहुंच गई है, जबकि त्वचा संबंधित रोगियों की संख्या बढ़कर 15622 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 666 ऐसे लोग मिले हैं जिनमें विभिन्न तरीकों की बीमारियों के लक्षण पाए गए हैं। इनकी संख्या अब 46763 पहुँच गई है। वहीं बात हरियाणा में मानसून की करें तो इस सीजन में 44% से ज्यादा बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। 1 जून से 5 अगस्त तक सूबे में 335.9 mm बरसात हुई है। हालांकि अगस्त में 18.1 mm बरसात दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 29.2% के मुकाबले 38% कम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त में बारिश को लेकर ऐसे ही हालात बने रहेंगे। बरसात कम होने के कारण हुमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में कहीं कहीं हल्की बरसात तथा दक्षिणी पश्चिम जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी सहित अन्य स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी।